बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस के बीते दिनों बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात के अच्छे संकेत हैं कि स्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद था। बीएमसी की कार्रवाई गलत इरादे से की गई। उच्च न्यायालय ने बीएमसी के डिमोलिशन के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। कंगना को हुए नुकसान के आकलन के लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी ताकि मुआवजे राशि को डिसाइड किया जा सके। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर कंगना रनौत की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है। कंगना रनौत ने इस संबंध में ट्वीट किया, जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है तो जीतता है, तो ये व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि ये लोकतंत्र की जीत होती है। आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और मेरे टूटे सपनों पर हंसने वालों का भी शुक्रिया। इसका एकमात्र कारण है कि आप खलनायक की भूमिका निभाते हैं, इसलिए मैं एक हीरो हो सकती हूँ। कंगना रनौत के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को यह भी कहा है कि सार्वजनिक मंच पर विचारों को रखने में संयम बरतना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कहा कि किसी राज्य द्वारा किसी नागरिक की गई गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी नागरिक के ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए राज्य की इस तरह की कोई कार्रवाई कानून के अनुसार नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस में कुछ हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़फोड़ कर दी थी, जिसके विरोध में कंगना ने कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया था। इसके बाद से ही कोर्ट ने बीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट 9 लाइव से आकाश की रिपोर्ट।